मैजिक वन टू, ये जस्ट यहाँ किए। और आप अभी जैसे बात कर रहे थे, आप जैसे बात कर रहे थे कि नोट निकालिए, तो वो 200 का नोट ये रहा। अरे ये देखिए, इन्होंने कागज जला दिया और उस कागज में से क्या निकला? 200 का नोट। वही नहीं, यहाँ से जो यही टच करेंगे, जस्ट 1 2 3 तो मतलब मेरे पूरा शरीर में पैसा है। ये 200 का नोट, ये रुमाल तो आप देखे हैं, जस्ट इसको यहाँ से 1 2 3 और इसको यहाँ से लेकर यहाँ करेंगे, सामने खुद ध्यान दीजिएगा। जस्ट इसको यहां से चेक करेंगे और जस्ट यहां से मैजिक करेंगे, 1 2 3 ठोक देंगे। आप देख पा रहे हैं रुमाल कहाँ है? रुमाल आपके सामने यहाँ है, लेकिन यही नजर का धोखा है। जस्ट 1 2 3 और यहां से इसको करेंगे और यहां से बिल्कुल ये गायब फिर दोनों हाथ चला गया। रुमाल कहाँ चला गया? वही तो मैं बता रहा हूँ, ये उसी प्रकार इस नोट को अपने मुट्ठी में लेंगे। आप जो नोट दिया वो कहाँ है? ये सर जो नोट दिया वो कहाँ है? मेरे मुट्ठी में, बिल्कुल। लेकिन इनका ध्यान कहाँ है? मुट्ठी पे नहीं, नोट पे। घबराइए नहीं, रुमाल गायब हुआ है, आपका नोट नहीं गायब हुआ। और ये जस्ट यहाँ से टच करेंगे और इसको यहाँ से इसके अंदर में डालेंगे और जस्ट डालने के बाद जस्ट यहाँ से रुमाल आएगा, क्लियर। इसी को कहते हैं जादू। लीजिए ये आपका नोट, थैंक यू। इसको गायब करिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है, होती रहता है। और हमारे माता बहनों काका चाचा के हाथ में लॉन्ग फूल अच्छा देता है, हमारे माता बहनों के हाथ में लॉन्ग फूल अच्छा देता है और तत्पश्चात वो अपने हाथ की चालाकी के माध्यम से उसमें ताबीज डाल देता है। उस चीज को देखकर लोग चमत्कार समझते हैं और उस बाबा को चमत्कारी बाबा कहते हैं। मैं दिखाऊं तो जादू, वो दिखाए तो चमत्कार, वो हाथ की चालाकी है, विज्ञान है, वो कोई चमत्कार नहीं है। जो चमत्कार आप नहीं मानते? जी कैसे मानते हैं, मैं मेरे साथ ऐसा हुआ है, यहाँ के अच्छे अच्छे लोग साथ, मैं बुर्बक बना हुआ था, मेरे साथ वो कर रहा, बोले कि सुनो ये 2000 मैं आपके अंदर में एक पावर जनरेट कर रहा हूं, उसको फील कीजिए। पावर आपके अंदर में चला गया, कम ऑन, गुड 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 गुड। आंख खोलिए, आप बताइए आपका हाथ कैसे उठा? ये हाथ कैसे उठ गया तुम्हारा? हमको नहीं पता है। झूठ बोल रहे हो? नहीं नहीं, हमको नहीं पता है। गजब बात है भाई, अचानक से कोई लगा कि हमको ऐसे फोर्स कर रहा है। यार सर ये कैसे? प्रसन्न हुआ, इन्होंने अपने जादू से हर असंभव को संभव करके दिखाया, हम सभी को इन्होंने आश्चर्यचकित किया, इसीलिए मैं इनकी जादू कला से खुश होकर पूरे होशो हवास में मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी जो मेरे नाम से है उनके नाम कर रहा हूँ। आज से मेरा सारा पैसा, गाड़ी, मकान, जमीन खुश होकर मैं दे रहा हूँ। आज के बाद ये हमारी चल और अचल संपत्ति के मालिक हैं। अतः ऊपर लिखी हुई सारी बातें सोच समझ कर पूरे समाज के सामने इस महफिल में एक कागज बनाया और अपना दस्तखत किया ताकि जादूगर संजीव कुमार को समय पर। धन्य है सर, आज तक ऐसा इनाम मेरे को कोई नहीं दिया, आप महान है सर। गोपालगंज जिला आपको सैल्यूट करता है, ये करता है, बहुत सारे जगह पे कार्यक्रम हुआ, लेकिन ऐसा इनाम, ऐसा आशीर्वाद आज तक इन्होंने मेरे को नहीं दिया। लेकिन सच में तो ताबी धारण करने से किसी का तकदीर बदल जाना होता तो वो फकीर पहले अपने गले में ताबीज क्यों नहीं धारण करता है? अपने आप को बदले। मेरा तकदीर बदलने चला है तो ऐसा कुछ नहीं है, ये विज्ञान है, ये चलाकी हाथ की सफाई है। आप इसे नहीं मानते? नहीं 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 मानते, बिल्कुल नहीं मानते। वो दिखाए तो चमत्कार, मैं दिखाऊं तो जादू, ये कैसे हो सकता है? ये 200 का नोट है, आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से। अब इसे आप कौन सा जादू करने वाले हैं? इससे जादू जादू कहकर कहा नहीं जाता है कि मैं ये करने वाला हूँ, देखेंगे। हाँ, चूंकि कह दूंगा तो आप आश्चर्यचकित नहीं होंगे, जादू से लोगों को आश्चर्यचकित किया जाता है। जैसे ये 200 का नोट, और आप अपने हाथों में लेकर देख लीजिए ये क्या है। ये रुमाल जैसा है और ये लाल है, आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम, ये रुमाल ही है। हाँ। तो ये 200 का नोट, ये रुमाल तो आप देखे हैं, जस्ट इसको यहाँ से 1 2 3 और इसको यहाँ से लेकर यहाँ करेंगे,
सामने खुद ध्यान दीजिएगा। जस्ट इसको यहां से चेक करेंगे और जस्ट यहां से मैजिक करेंगे, 1 2 3 ठोक देंगे। आप देख पा रहे हैं रुमाल कहाँ है? रुमाल आपके सामने यहाँ है। लेकिन यही नजर का धोखा है, जस्ट 1 2 3 और यहाँ से इसको करेंगे और यहाँ से बिल्कुल ये गायब होगा। फिर दोनों हाथ चला गया, रुमाल कहाँ चला गया? वही तो मैं बता रहा हूँ, ये उसी प्रकार इस नोट को अपने मुट्ठी में लेंगे। आप जो नोट दिए वो कहाँ है? ये सर जो नोट दिए वो कहाँ है? मेरे मुट्ठी में, बिल्कुल। लेकिन इनका ध्यान कहाँ है? मुट्ठी पे नहीं, नोट पे। घबराए नहीं, रुमाल गायब हुआ है, आपका नोट नहीं गायब हुआ। और ये जस्ट यहाँ से टच करेंगे और इसको यहाँ से इसके अंदर बना लेंगे और जस्ट डालने के बाद जस्ट यहाँ से रुमाल आएगा। क्लियर? इसी को कहते हैं जादू। लीजिए ये आपका नोट है, थैंक यू। इसको गायब करिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये 200 का नोट है, जस्ट यहाँ से मैजिक करेंगे 1 2 और ये 3। जस्ट यहाँ से मैजिक करके और इसको यहाँ ये यहाँ से यहाँ लेंगे और जस्ट यहाँ से इसको यहाँ लेंगे और यहाँ ठोक देंगे। क्लियर? जस्ट यहाँ से इसमें इसके अंदर में ये जो लाल वाला रुमाल आप देखें, इस रुमाल को यहाँ से खींचेंगे और थोड़ा सा रुमाल से हिला देंगे। आपको शक करें कि रुमाल में भी है तो कहीं नहीं। देखिए ये वाकई में आश्चर्य वाली बात है कि अभी आप देख रहे थे कि इनके हाथों में 200 का नोट था, लेकिन वो 200 का नोट भी गायब हो गया। पॉकेट में तो नहीं चला गया, कहीं ना कहीं तो गया। हाँ, लेकिन गया गया। आप तो देख रहे हैं, पॉकेट में चला जाए, आपके खाते में चला जाए, मेरे बैंक खाते में चला जाए, लेकिन दोनों साइड से ये कागज है। इस कागज को यहाँ से फाड़ेंगे। ये क्या है सर? लाइटर है। लाइटर को अगर यहाँ से, अच्छा एक बात बताइए, आपने कभी किसी को जलाया है? नहीं। ठीक, अच्छे लोग हैं। जस्ट यहाँ से मैजिक 1 2 ये जस्ट यहाँ किए और आप अभी जैसे बात कर रहे थे, आप जैसे बात कर रहे थे कि नोट निकालिए, तो वो 200 का नोट ये रहा। अरे ये देखिए, इन्होंने कागज जला दिया और उस कागज में से क्या निकला? 200 का नोट। वही नहीं, हाँ। यहाँ से जो यही टच करेंगे, जस्ट 1 2 3 जैसे इसको यही करेंगे और फिर यहाँ से। अरे देखिए, मेरे गाल में से 20 रुपए निकाल दिया इन्होंने। तो मतलब मेरे पूरा शरीर में पैसा है, माइक में भी पैसा है। ये देखिए 500 का नोट, ये तो मेरे बगली में है नहीं, आप कहाँ से निकाल रहे हैं? तो यही आप बोले कि नोट कहाँ गया निकाल के देखे, तो निकालने के लिए तो मैं तो नोट का बारिश। अभी से शॉपिंग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखिए क्या ये ओरिजिनल है, वाकई में। देखिए माइक से मेरा 500 निकल गया। हाँ निकला। हाँ, इट इज पॉसिबल यार, विश्वास नहीं कर सकते हैं आप। इन्होंने कैसे कर रहा है, कैसे कर लेते हैं सब टेक्निक है, कमाल है। और एक दिखाइए। देखिए जैसे एक बात मैं बता रहा हूँ, हमारे गुरुजी का नाम है जादूगर आरएस पांडे, फ्रॉम यहीं से रहने वाले हैं, पूर्व मुखिया भी थे। उनका कहना था कि हमारे गांव जवार में कोई अगर कोई महात्मा कोई फकीर आता है और हमारे माता बहनों काका चाचा के हाथ में लॉन्ग फूल अक्षत देता है, हमारे माता बहनों के हाथ में लॉन्ग फूल अक्षत देता है और तत्पश्चात वो अपने हाथ की चलाकी के माध्यम से उसमें ताबीज डाल देता है। उस चीज को देखकर लोग चमत्कार समझते हैं और उस बाबा को चमत्कारी बाबा कहते हैं। मैं दिखाऊं तो जादू, वो दिखाए तो चमत्कार, वो हाथ की चालाकी है, विज्ञान है, वो कोई चमत्कार नहीं है। अच्छा, चमत्कार आप नहीं मानते? कैसे मानते हैं? मेरे साथ ऐसा हुआ है, यहाँ के अच्छे अच्छे लोग साथ, मैं बुर्बक बना हुआ था, मेरे साथ वो कर रहा, बोले कि सुनो ये 2000 का नोट जो आपने गायब किया ले लिया और ये ताबीज दे रहा है, अगर ये ताबीज धारण करने से, ये अंगूठी धारण करने से, अंगूठी धारण करने से और ताबीज धारण करने से किसी का तकदीर बदल जाना होता तो वो फकीर पहले अपने गले में ताबीज क्यों नहीं धारण करता है? अपने आप को बदले, मेरा तकदीर बदलने चला है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये विज्ञान है, ये चलाकी हाथ की सफाई है। आप इसे नहीं मानते? नहीं 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 मानते, बिल्कुल नहीं मानते। वो दिखाए तो चमत्कार, मैं दिखाऊं तो जादू, ये कैसे हो सकता है? मैं दिखाऊं तो लोग जादूगर कहते हैं, वो दिखाए तो चमत्कार और चमत्कारी बाबा, ऐसा नहीं कुछ। एक दो और दिखाइए फिर आप। नहीं फटा, जस्ट 1 2 3 फिर इसको देंगे, इसको पकड़े, फटी, वाह फट गया, ये फट गया। 1 2 3 मैं आपको आपको पावरलेस कर रहा हूं, कोई भी एक फाड़ दीजिए। अरे
ये फट ही नहीं रहा है, फट ही नहीं रहा है। अरे इनको जो आपके माइक ले रहे हैं उनको उनको दीजिए। लाओ लाओ लाओ, बिल्कुल नहीं फट रहा है, ये तीनों नहीं फट रहा है, नहीं फट रहा। जस्ट फूक मारेंगे और इसको पकड़िए और इसको फाड़िए। अरे अब नहीं फटेगा, मेरा एक बार आदेश है, मेरे एक आदेश से फटेगा, एक आदेश से फट जी जी। हेलो आपसे नहीं फट रहा था, इसको पकड़िए फाड़िए 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 फटिए, एक आदेश है, एक ही बार फटेगा जी जी, एक बार फटेगा। इसको इसको पकड़िए, अभी जो नहीं फटा फाड़ी 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 बिल्कुल ओके। इसको मास्टर चाबी भी कह सकते हैं, ये जिस ताले में घुस जाता है ताला खुल जाता है किसी का भी। हाँ, जी जी, जिस ताले में ढुकेगा उस ताला को ये खोलेगा, क्योंकि खासियत है आदेश मानता है, 1 2 3 ये घूमता भी है, ये पकड़ के ऊपर से घूम रहा है। हाँ, ऊपर से घूम रहा है, देखिए वाकई में घूम रहा है, ठीक है। यही नहीं, अप डाउन भी होता है, ये ऊपर नीचे भी होता है, ये आज्ञाकारी है, इसीलिए ये अपने आप को एडजस्ट करके ये हो जाता है। जस्ट इसको यहाँ करके फूक मार देंगे और ये अपने हाथ में लीजिए, इसको पकड़िए, इसको देखिए ध्यान से देखिए, तो अब एडजस्ट हो गया। देखिए इसको इसको हिलाकर देखिए, नहीं हिला, मेरे बात मेरे से दूसरा किसी की बातें नहीं मानता है, कुछ भी कर लीजिए, फेविकोल का जोड़ लगे। तो पहले बाबा के बारे में क्या कहिएगा? बाबा बाबा है और सनातन को लेकर चल रहे तो अच्छे है, मैंने सनातन धर्म तो है ही। अच्छा, ये ऐसा होता है क्या इसमें कि आप जो दिमाग में चल रहा है मैं पढ़ लीजिएगा? नहीं नहीं, ये जो है ये साइकोलॉजी है और इसको हम लोग जादू के तौर पे ये कहते हैं, मेंटल मैजिक, मेंटल मैजिक। तो ये सब कोई बड़ी बात नहीं है, आप अर्चना सिंह हैं और बहुत सारे मैजिशियन लोग भी हैं, जादूगर सिकंदर भाई उनको चैलेंज भी किए थे, तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब आम लोग तुरंत उस चीज को चमत्कार समझते हैं, ऐसा कुछ है। हाँ, बाबा का तो शक्ति है, कौन बाबा? जो साक्षात बोले ब्रह्मदेव परमेश्वर शंकर भगवान है, कृष्ण भगवान है, श्री रामचंद्र जी है, हनुमान जी है, वो लोग जो चाहे कर सकते हैं। और आज जो कला मैं दिखा रहा हूं ये मेरे मेहनत के बल पे हुआ है, मेरे चलाकी के बल पे, विज्ञान मैंने जादू मतलब विज्ञान जी। फिलहाल यही खबर मैं आपको दिखा रहा था कि ये भी है जो हूबहू कुछ करना कुछ करते हैं, जिसको आप चमत्कार समझिएगा, मैं भी इसको चमत्कार ही समझा, मेरे हर एक पार्ट से इन्होंने पैसा निकाल दिया। कैसा लगा खबर आपको बताइएगा जरूर। मैं दीपक सिंह।